हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पंजाबन ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ गुड वाइब्स के नेम प्यूरीफाइंग फेस वॉश का। और गुड वाइब्स जो ब्रांड है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली ऑन purple.com। और कुछ इस तरह पम्प फॉर्म में आता है ये वाला नेम प्यूरीफाइंग फेस वॉश। और गुड वाइब्स के फेस वॉश में मोर देन 25 इन्ग्रीडियंट्स अलग अलग आते हैं। ये नेम प्यूरीफाइंग फेस वॉश है और गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स 100% पैराबिन फ्री होते हैं, 100% क्रुएल्टी फ्री होते हैं, जो कि इनका प्लस पॉइंट है। और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं। वैसे भी purple.com पर कोई ना कोई ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल सकता है। वैसे इसका जो अभी करंट प्राइस होगा वो मैं स्क्रीन के ऊपर मैंशन कर दूंगी, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। सो इसकी बॉटल के ऊपर सारी डिटेल मैंशन है, इसके इन्ग्रीडियंट्स मैंशन है, कैसे यूज़ करना है, इसका प्राइस, क्वान्टिटी, एक्सपायरी डेट, मैनुफैक्चरिंग डेट, सारा कुछ मेंशन है। और इसका जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज़ नीम, क्योंकि नीम हमारी स्किन के लिए बेस्ट होता है। चाहे आपका स्किन टाइप कुछ भी हो, पर जिनकी एक्ने प्रोन, पिंपल प्रोन स्किन है उनके लिए नीम फेस वॉश बेस्ट है। वैसे ये वाला फेस वॉश हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। सो आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको यूज़ करके बताऊँगी अभी मेरी स्किन कितनी ज़्यादा डल फील कर रही है। और अभी मैंने अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लिया है, देन बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी लेनी है आपने इस फेस वॉश की, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ही इनफ होती है आपके पूरे फेस के लिए। और आप देख सकते हैं ये जैसे एलोवेरा का कलर होता है ना, ग्रीन कलर का, पतंजलि की एलोवेरा जेल आती है, सेम वैसी ही इसकी कंसिस्टेंसी है। सो आप देख सकते हैं इसको मैंने हैंड में रब करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। और ये वाला जो फेस वॉश है ना बहुत ज़्यादा लैदर क्रिएट नहीं करता है, लेकिन थरली आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, डीपली क्लीन करता है। आपके फेस में जो भी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ हैं, एक्सेस ऑयल है, सबको रिमूव करता है और आपको देता है एक रिफ्रेश और स्मूथ, सिल्की, शाइनी स्किन। और इस तरह से आपने मसाज करते हुए फेस वॉश को अप्लाई करना है, जब भी आप फेस वॉश कोई भी अप्लाई करें। और मेक श्योर अपनी नेक को भी इंक्लूड करें, क्योंकि नेक को कभी भी स्किप नहीं करना होता है। सो आइज़ के आसपास आपने बहुत ध्यान से इसको अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आइज़ के कांटेक्ट में आ गया तो आपको इरिटेशन, इचीनेस हो सकती है। सो इसलिए मेक श्योर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अभी मैं अपने फेस को वॉश कर लिया है। यस, आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा देखने में ही कितनी पहले से अच्छी लग रही है। और आप देख सकते हैं एक नेचुरल ग्लो, जबकि अभी मेरे फेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट फेस वॉश किया है और पैड ड्राई कर लिया है हल्का सा। और मुझे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ भी लग रही है, और जो शाइन है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। सो यस, मुझे ये वाला फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है ये वाले फेस वॉश के लिए। सो यस, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा रिव्यू गुड वाइब्स नेम प्यूरीफाइंग फेस वॉश के ऊपर। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।